अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरे चैनल टेक्नोलॉजी एयर में खुश आमदीद। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आप सबको एक ऐप की ज़रूरत है। इस ऐप का नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। काइन मास्टर ऐप हमने ओपन कर ली और दरमियान में देखें, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें और 9x60 का जो रेशो है वो ये सिलेक्ट करें। ये करने के बाद आपसे एक और बात की रिक्वेस्ट है कि जो जो मटेरियल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उन सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एक वीडियो टेम्पलेट है, ये लेके आते हैं, फिर इसी पे क्लिक करते हैं, पैन टू जूम वाले ऑप्शन पर जाके इसे लॉक लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से लॉक लगाने के बाद फिर इसी पर क्लिक करें, फिर पैन टू जूम वाले ऑप्शन पर जाएँ जो ये दिया है। अब इसे हमने जूम करना है, ये देखें इस तरह से हमने जूम करना है और ओके करना है। इसे 2 से 3 सेकेंड तक आप रख लें, जिस तरह से आप जो भी सॉन्ग यूज़ करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो साउंड है, उसके बाद जो म्यूज़िक हो वो आप रख लें। ये 5 सेकेंड तक है, आपकी मर्ज़ी, चाहे 5 सेकेंड तक यूज़ करें या 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जैसे आपको एडजस्ट हो। अब लेयर पे जाते हैं और टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे जो मर्ज़ी आपको पसंद हो। आप इस तरह से ये देख लें कि कोई इमोजी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए गए होते हैं मोबाइलों में भी, हर मोबाइल में वैसे भी होता है ये ऑप्शन, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पहले मैंने ये सेलेक्ट किया, दूसरा ये किया, इस तरह से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी किस तरह से ये मैंने किया। अब देख लें ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें हमने कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हैं, एनिमेशन वाला या ओवरऑल एनिमेशन अप्लाई करते हैं जिससे एक और भी खूबसूरत लगे। इन एनिमेशन में पॉप वाला इफेक्ट है ये वाला, इसे आप बिल्कुल लास्ट तक ले जाएँ जहाँ तक ये हमारा ऑप्शन है। वैसे तो इसका दो ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आप भी इस तरह से ना आए तो ये लास्ट लगा देते हैं। अब इसमें एक और ओवरऑल एनिमेशन है, इसमें देखने कि ये वाला है भी है, ये वाला भी है, इसमें से आप कोई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ये है, अब ये वाला जो इफेक्ट है हम ये अप्लाई करते हैं ड्रिफ्टिंग वाला, तो आप भी इसी तरह से जो आपको पसंद है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें इस तरह से ये इफेक्ट शो हो रहा है, ओके करने यहाँ तक। अब मीडिया पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएँ दिया हुआ, और यहाँ पर एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जाएँ, एडिटिंग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं जो नीचे दिया गया है ऑप्शन ये वाला, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिल्टर स्क्रीन करना है और पिक की जो ड्यूरेशन है वो आपने रखनी है 0.5, और ओके करना है। यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है और जो जो इमेज जितना हमने स्टेटस बनाना है उस स्टेटस को लेके आते हैं और यहाँ पे पिक ऐड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से पिक हमने ऐड कर ली, जो पिक आप अपनी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और की भी, जिसके अपने स्टेटस बनाना हो या किसी को आप बना के दे रहे हो। इस तरह से आप कुछ पिक सेलेक्ट करें और जिस पर हमने स्टेटस बनाना हो, इस तरह से फिर जूम करें पिक को, हर पिक को जिस तरह से किया मैंने, फिर इसके ऊपर पिक पे क्लिक करें, कैलीग्राफी वाला ऑप्शन है इसे यूज़ करते हैं। इसमें एक इफेक्ट है, किधर गया, मेमोरी लाइन आपने 0.3 से सेलेक्ट करना है और नीचे तक 4 करना है और 5 करना है, इसे 3 आपने इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके अलावा आपने और कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं करना और यूज़ नहीं करना, चाहे तो वैसे आपकी मर्ज़ी है चाहे तो यूज़ करें, लेकिन जो स्टेटस बना हुआ है उसके हिसाब से मैंने 0.3, 0.4 और 0.5 इस्तेमाल किया हुआ है। और इसे किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो भी आपको लास्ट में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इस पर अप्लाई करने ऑल पिक पे, जो ये पिक हमने यहाँ तक की हुई हैं, फिर से क्लिप ग्राफिक पे देंगे 0.3 मेमोरी लाइन में 0.3 0.4 0.5 इस तरह से देख लें, मैंने सेलेक्ट कर ली और मुकम्मल कर ली। अब गेट इन मोड पर जाके इसके लिए आपको मोबाइल का जो डाटा होगा वो ऑन हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इसमें ज़रा जिसका नेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उससे उतनी जल्दी फ़ोन रिस्पांस मिलता है। मेरा नेट की स्पीड स्लो है तो इस वजह से ये काफ़ी स्लो काम कर रहा है। ये देखें यहाँ तो आपने थोड़ा सा वेट करना, और इस तरह से इफेक्ट ओपन होकर आ गए। इसमें से जो भी आपको डाउनलोड करना है आप देख लें, इसमें ऑप्शन होगा मेमोरी लेने वाला, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेयर पर जाके मीडिया पर क्लिक करते हैं, एक वीडियो टेम्पलेट है वो लेके आते हैं यहाँ पर, ये लेके आने के बाद इसे हम करते हैं फिल्टर स्क्रीन और ओके कर दें, फिर इसी पे क्लिक करें, लास्ट में चले जाएँ, ऑप्शन एक आएगा यहाँ पे ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे स्क्रीन कर दें, जैसे कि स्क्रीन वाला जो ऑप्शन होगा आपने सिर्फ वही सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये यह आ गया, और ओके कर दें। अब ये देखें इसी पे क्लिक करें, इसका म्यूज़िक जो है वो भी ऑफ कर दें और प्ले करें, देखें किस तरह से इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो हो रहा है। बैकग्राउंड भी इसकी देख लें किस तरह से लग रही है, और ये आगे ये आ गया। फिर लेयर पर क्लिक करें, मीडिया पर क्लिक करें, एक यहाँ से है बॉर्डर पीएनजी, अब वो बॉर्डर पीएनजी यहाँ पे लेके आते हैं, इसे फिल्टर स्क्रीन करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ तक देख लें हमारे कुछ वीडियो मुकम्मल बन चुकी है, और आर यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ से सॉन्ग ऐड करेंगे
जो आपने यूज़ करना हो। अब वीडियो को प्ले करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके लिए कि ड्यूरेशन भी ले जाते हैं लास्ट तक। और आपने एक बात ध्यान से रखनी है कि अगर जी वीडियो की एक्सपोर्ट का हम जब करते हैं तो इसकी क्वालिटी हाई रखने के लिए, जैसे कलर चेंज चेंज वगैरह ना हो, तो उसके लिए आपको 180 पे एक्सपोर्ट करना होगा ताकि वॉइस भी और कलर टोन भी एक जैसी रहे।